रेंज रोवर स्पोर्ट जो गाड़ी रही है वो लैंड रोवर के फ्लैगशिप एसयूवी की एक मोर यूथफुल डेरिवेटिव है। 2005 में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था और ये गाड़ी का तीसरा जनरेशन मॉडल है। ग्लोबली इस गाड़ी को हाल ही में इसी साल मई में रिवील किया था और 7 महीनों में कंपनी ने इसे इंडिया में लाया है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमसे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर हम डिजाइन की बात करें तो जो पहला शब्द मेरे दिमाग में आता है इस एसयूवी के देखने के बाद वो है स्मूथ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक्सटीरियर काफी क्लीन है, कोई भी यहाँ पे वो वेरी मिनिमल बल्जिंग एलिमेंट्स है। अगर आप सामने की तरफ देखें तो एक वाइडर फ्रंट ग्रिल है जो कि ब्लैक ट्रीटमेंट मिला है जैसे, क्योंकि ये HSE डायनामिक वेरिएंट है जिसका डिज़ाइन पैकेज ही एक एबिनी ब्लैक का है। दोनों ही साइड में आपको स्लीकर लुकिंग डिजिटल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसमें LED DRLs भी है और इमेज प्रोजेक्शन भी है। नीचे की तरफ देखें तो एक नया बम्पर मिलता है, लार्जर वेंट्स हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट है। आप साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको 22 इंच के नए एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड है इस वेरिएंट पर, जो कि HSE डायनामिक है और इसके ऊपर के वेरिएंट्स पर भी। लेकिन जो बेस मॉडल है वहाँ पे आपको 21 इंच के व्हील्स मिलेंगे। लेकिन कोई भी वेरिएंट हो, आप एक्सेसरी पैकेज के बदौलत इसमें एक 23 इंच का व्हील भी डाल सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स आपको हुड और ये साइड के पैनल्स पर भी दिखेंगे। और जी हाँ, एक 2-टोन इफेक्ट है यहाँ पर। ये जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये हीटेड फंक्शन के साथ आते हैं और जो ड्राइवर साइड का जो है इसमें ऑटो डिमिंग फंक्शन भी है। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी मिलते हैं। अभी ये गाड़ी ऑन है तो इसे, जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी को लॉक करने पर ये अंदर चले जाते हैं और वापस दबाने पर बाहर भी आ जाते हैं। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 166 mm का है इस मोड पर जहाँ पे ये आइडल स्टेज पर है, बट इसका ड्राइविंग मोड पे जाते ही ये 216 mm पर आ जाता है। और अगर ऑफ रोड मोड की बात करें तो 280 mm से भी ज़्यादा का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। रूफ लाइन देख सकते हैं, स्लैंटिंग रूफ लाइन है जो कि अगेन कंपनी के क्लीन डिज़ाइन पर आधारित है। और पीछे की तरफ आएंगे तो नए स्लीकर LED टेल लैंप्स है। आप इन टेल लैंप्स को देखिए, काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। साथ ही साथ एक्सटीरियर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी क्लीन है, स्मूथ है। इसके जो कैरेक्टर लाइंस है वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और अगर हाँ, इसे अनलॉक करने पर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट के साथ एक बड़ा मैसिव सा लगेज स्पेस भी मिलता है। फिलहाल हम रेंज रोवर स्पोर्ट के कैबिन के अंदर हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का स्पेस जो है वो मैसिव है और इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो सुपर प्रीमियम है। कैबिन का जो डिज़ाइन है काफ़ी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन रखा गया है। यहाँ पे आपको ज़्यादा बटन्स नहीं दिखेंगे, ज़्यादातर स्क्रीन्स ही दिखेंगे क्योंकि कंपनी चाहती है कि एक क्लीन सा आपको एक्सपीरियंस मिले। जो ये डिस्प्ले यूनिट है ये एक टच स्क्रीन यूनिट है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो रेंज रोवर की PV प्रो सिस्टम के साथ आता है। ये 13.1 इंच का यूनिट है और यहाँ पे काफ़ी सारे कनेक्टिविटी स्वीट्स मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ ये स्टेयरिंग व्हील, नया स्टेयरिंग व्हील जो कि लेदर रैप्ड है और काफ़ी प्रीमियम दिखता है। फीचर्स की बात करें तो आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, काफ़ी सारा स्पेस है यहाँ पे सेंटर कंसोल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, कप होल्डर्स है और ये जो कंपार्टमेंट है ये रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट है तो यहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स रख सकते हैं, कूल पानी का बॉटल हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो। बाकी के फीचर्स की बात करें तो आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। साथ ही साथ जो सीट्स है आगे के, इनमें 20-way एडजस्टेबल पावर एडजस्टेबल सीट्स है जो वेंटिलेशन एंड हीटेड फंक्शन के साथ आते हैं। साथ ही साथ इन्हें मसाज फंक्शन और मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। ऑप्शनल फीचर्स की बात करें तो आप इन सीट्स को 22-way एडजस्टेबल रख सकते हैं और साथ ही साथ जो पीछे के सीट्स हैं वहाँ पर भी वेंटिलेशन और हीटेड फंक्शन मिल सकता है आपको। इन पीछे के सीट्स पर ऑलरेडी रिक्लाइनिंग फंक्शन अवेलेबल है एज अ स्टैंडर्ड फीचर।
इंजन की बात करें तो लैंड रोवर आपको दोनों ही पेट्रोल और डीजल का विकल्प देता है। ये एसयूवी जो हमारे साथ है ये पेट्रोल वर्जन है, ये P400 है, जिसमें आपको एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि टर्बोचार्ज्ड है। और साथ ही साथ आपको पावर फिगर्स की बात करें तो 395 BHP देता है और टॉर्क है 550 Nm का। डीजल वर्जन जो इसका मिलता है वो आपको 345 BHP देगा और 700 Nm का पीक टॉर्क भी अवेलेबल है। दोनों ही SUVs में आपको एक 8-speed का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा और साथ ही साथ लैंड रोवर की कैपेबल टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम। कंपटीशन की बात करें तो इस सेगमेंट में रेंज रोवर स्पोर्ट के लिए एक डायरेक्ट राइवल ढूंढना थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा, लेकिन हम क्लोजेस्ट कंपटीशन की बात करें तो Porsche की Cayenne SUV ज़रूर इसके मुकाबले पे है। BMW की X6 और Audi की Q8 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं जो कि 1 करोड़ 64 लाख रुपीज़ से चालू होकर 1 करोड़ 84 लाख रुपीज़ तक जाती है जो कि एक शोरूम प्राइजेस है। डिलीवरीज अब तक चालू हुई नहीं है, लेकिन रेंज रोवर स्पोर्ट के लिए ये एक दमदार अपग्रेड है।